हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो 2 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। तबीयत तो अच्छी थी, लेकिन त्रिशिव के साथ रात को नींद पूरी नहीं हो रही थी, इसीलिए पूरा दिन थोड़ा सा मैं उखड़ी उखड़ी रहती थी। तो चलो, आज तो मैं फ्रेश हो गई हूँ, इसीलिए मैंने सबसे पहले मैंने उठ के नहा धो भी लिया है। तो इसीलिए मैंने तय किया है कि आज तो घर का पूरा काम जल्दी से ख़त्म करके मंदिर जाना 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 ही है मुझे। तो पहले मैं ये थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ से सब सीमेंट लेती हूँ, त्रिशिव के खिलौने वगैरह, और उसके बाद नाश्ता बना के झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। तो चलो, ये सब मैं फटाफट कर लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। गाइस, तो ब्रेकफास्ट बना लिया है मैंने, हो गया है ब्रेकफास्ट कंप्लीट। और चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने बना लिया है, ये देखो, अच्छा लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है कि नहीं ये आप लोग बताना। ये है, मैंने पालक के मुठिये बनाए हैं। गुजराती में हम लोग मुठिया बहुत खाते हैं, आप लोग गुजराती हो तो ज़रूर इस रेसिपी से रिलेट कर पाओगे। हे गाइस, तो यहाँ पे मेरा मोस्टली काम कंप्लीट हो गया है। मैंने बर्तन वगैरह सब कर दिया है, झाड़ू पोछा भी लगा दिया है। एक घर में झाड़ू लग गया है, पोछा लगाना बाकी है, लेकिन वो तो मैं फटाफट कर लूँगी। खाने की प्रिपरेशन शुरू हो गई है। वैसे योमेश कभी बोलते नहीं कि मुझे ये खाना है वो खाना है, जब भी हम पूछते हैं तो बना दो कुछ भी, मुझे मत पूछा करो, बना दो कुछ भी, मुझे मत पूछो, आपको जो खाना है वो बना दो, ऐसे जवाब दे देते हैं। लेकिन आज पता नहीं क्यों, आज मैं जब पूछने गई, वैसे मैं वो मना ही करते हैं कि तुम अपनी पसंद का कुछ भी बना दो, लेकिन फिर भी मैं रोज़ पूछने जाती हूँ। उसी तरह आज भी गई, तो आज उन्होंने सामने से बोला कि दाल चावल आलू की सब्ज़ी और रोटी बना दो। वैसे मेरे कुकर की सीटी आपको डिस्टर्ब कर रही होगी, तो यहाँ पे मैंने दाल चावल, इसमें दाल है, इसमें चावल पक गए हैं, आलू काट के रेडी है, इसमें मैं थोड़ी सी भाजी ऐड करूँगी, और यहाँ पे रोटी का आटा लगाना बाकी है। इसमें मैंने तेल डाला है ऊपर से। तो चलो फटाफट से खाना बना लेती हूँ। फिर किसी भी कीमत पे आज तो मुझे मंदिर जाना 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 ही है, इसीलिए मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, इसके बाद चलते हैं मंदिर। यहाँ पे मेरा लंच कंप्लीट है। मैं लूँगी लंच में रोटी, आमरस और भाजी आलू की सब्जी, और साथ में है दाल चावल।
Hey guys, तो दोपहर का टाइम हो गया है और थोड़ा सा लेट भी हो गया था। हमारे घर गेस्ट आए थे तो इसीलिए हमने सोचा कि हम शाम को मंदिर चले जाएंगे, लेकिन मम्मी को अभी सत्संग में जाना है और सत्संग भी मंदिर में ही है। तो मम्मी के लिए और मेरे लिए थोड़े से फूल गार्डन में से हार्वेस्ट कर लेती हूँ। वैसे हमारे यहाँ एक पेड़ है फूलों का, वहाँ से हम दिन में ही सुबह ही फूल ले लेते हैं जितने चाहिए, लेकिन थोड़े बहुत अभी यहाँ से मैं ले लेती हूँ। तो आपको दिखाती हूँ पहले कि मेरे होम गार्डन में कितने अच्छे अच्छे गुलाब आए हैं। तो ये देखो मैंने इतने से फुल हार्वेस्टिंग कर लिए हैं और मुझे यहाँ पे एक वाइट जासूद का भी फ्लावर दिख रहा है, लेकिन वो एक ही है इसलिए मैं नहीं तोड़ूंगी। वो इस वाले जो कि देसी गुलाब है, यहाँ पे इतने से फूल, इन दोनों गुलाब के पौधे पे मैंने थोड़े थोड़े फूल छोड़ दिए हैं। मेरे पापा और मेरी बा कहा करते थे कि फ्रूट हो या फल हो या फ्रूट हो या फ्लावर हो, कोई भी फूलों का पौधा हो, हमें उसे पूरा खाली नहीं कर देना चाहिए। हमें थोड़े बहुत फूल या फिर थोड़े बहुत फल जो पौधा है उसके लिए छोड़ देना चाहिए। फल हमें पक्षियों के लिए छोड़ देने चाहिए थोड़े बहुत, क्योंकि उनका भरण पोषण भी तो वहीं से होता है। और फूल जो पौधों की शोभा बढ़ाते हैं, इसीलिए हमें फूल भी थोड़े छोड़ देने चाहिए पौधों के लिए। इसलिए मैंने सारे गुलाब को हार्वेस्ट नहीं किया और हम तो फाइनली हम मंदिर जा रहे हैं। मम्मी सत्संग से लौट के आ गई है और साथ ही में मुझे आईब्रो देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, भूत के जैसी। अब डर मत जाना, तो आईब्रो बनवाने भी जाना है। तो मैंने एक अच्छा सा फ्रॉक गाउन टाइप पहन लिया है और हम चलते हैं मंदिर। तो हम आ गए हैं यहाँ पे मंदिर और जल्दी से पूजा करके जल्दी से वापस घर भी जाना है। त्रिशु को घर पे मम्मी के पास छोड़ के आए हैं, अभी वो छोटा है इसलिए हम ज़्यादातर उसे बाहर लेके नहीं निकलते। Thank you.
Hey guys, तो हम आ गए हैं बैक टू होम। मैंने आईब्रो भी बनवा ली है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि अभी डिनर का टाइम हो गया है, तो मुझे डिनर बनाना है। और उससे पहले मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है कि सोचना है कि डिनर में बनाए क्या। हम लेडीज लोगों की यही प्रॉब्लम है, क्या पकाए क्या पकाए। तो चलो इसीलिए मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड, और आप सबको मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।